रोहित शर्मा जी प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी संभालने के साथ साथ शहर के हर सामाजिक कार्यक्रमों में भी बराबर भागीदारी लेते हैं। यूथ को जोड़ने के लिए आपकी क्या भविष्यगामी प्लानिंग्स है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, जहाँ तक की बात युवाओं की आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गरीब घर से उठकर जो मेहनत करता है, चाहे वो युवा हो, चाहे मैं कहूँगा हमारी बहन बेटी हो, संगठन अलग अलग है, NSUI भी है, यूथ कांग्रेस भी है, उसके बाद कांग्रेस कमेटी भी आ जाती है। तो जो मेहनत करने वाले, जो रण में लड़ने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जिनके खून में राजनीति होती है, उनको कांग्रेस पार्टी आगे लेकर के आके उन्हें मौका देती है, उन्हें अलग अलग पदों पे देती है और जनता की वो सेवा करे उन्हें वो सिखाया हमारे संगठन में जाता है। अलग अलग समय में प्रोग्राम भी किए जाते हैं। आज मैं भी प्रदेश में यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, तो दिल्ली भी हमारी मीटिंगें होती है, चंडीगढ़ होती है, फिर जहाँ हम इंचार्ज लग करके जाते हैं वहाँ मीटिंगें लेते हैं, नए युवाओं को जोड़ना, अपनी पार्टी की गतिविधियों के साथ जोड़ना, तो इस तरीके के कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। हाजिर हरियाणा में आज हमारे साथ हाजिर हैं हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहित शर्मा जी, जो कि अपने दादा पंडित होशियारी लाल शर्मा की राजनीतिक विरासत संभालने के साथ साथ शहर के 31 गांवों और 31 वार्डों में जाकर हर दुख सुख में शारीक होते हैं। आप जी ने एक बहुत ही अल्प समय में सिरसा के विधानसभा में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। तो मोहित शर्मा जी, आज कुछ जनता के कुछ मन में सवाल उमड़ रहे थे, तो उन सवालों के लिए आज हम आपके सामने कुछ चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है जी। मोहित जी, बिल्कुल विधानसभा चुनाव सर पर आने वाले हैं, आपके कंधे पर यूथ प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी है, तो यूथ को जोड़ने के लिए आपकी भविष्यगामी क्या प्लानिंग्स है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है, युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक मात्र ऐसी पार्टी मैं कहूँगा, जो युवाओं की हिस्सेदारी पार्टी में हो, युवाओं का हिस्सा देश के विकास के लिए हो, विकसित भारत के लिए हो, ये सोच के साथ कांग्रेस पार्टी और उसका संगठन कार्य करता है, जिसमें NSUI, यूथ कांग्रेस और जो छात्र इकाई के अलग अलग जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उसके जरिए हम युवाओं को हमारे साथ जोड़ते हैं, चाहे उनकी बेहतर शिक्षा की बात हो, और चाहे आज के दिन मैं सिरसा के लिए कहना चाहूँगा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशा हमारे जो सिरसा में आज एक घातक रूप ले चुका है, इतना फैल चुका है, तो मैं तो एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, युवा कांग्रेस के साथ जुड़ो आप, और जुड़ करके लोगों में भी घर घर जा करके ये बात का मैसेज दो कि नशे से दूर हो करके समाज के हित में जो हम सामाजिक कार्य करें, इस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी अपनी इकाइयों के साथ जो युवाओं को हम जोड़ते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी मोहित जी, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, तो आप इस विजय उत्सव को किस तरीके से, किस रणनीति से मनाएंगे? मैं तो जो ये विजय उत्सव की जहां बात है, मैं इसको कहूंगा कि पर्यावरण दिवस के हिसाब से हम इसको मनाएं। युवाओं से मैं खास करके अपील करूंगा, 2024 तो आ गया है, आगे 29 है, तो जितने भी हम उम्र साथी है, हमारी उम्र के जो युवा साथी हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके पेड़ लगाने का जो एक है जिम्मा, हम बेड़ा उठाएंगे कि हमारे सिरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा में, हम सिरसा की अगर बात करें तो 2029 तक 2029 पेड़ लगाने का हम काम करेंगे। गांव गांव, कलोनी कलोनी, गली गली पे हम पेड़ लगाने का कार्य करेंगे, वहाँ पे ड्यूटियाँ भी लगाई जाएगी युवा साथियों की, उनको अपने साथ जोड़ा भी जाएगा, और आगे अगर वो पार्टी में काम करने में अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो उन्हें ज़रूर पार्टी में भी उनको सहारा दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक युवा को, गरीब को मौका देती है आगे बढ़ने का। जी मोहित जी, आपने बहुत ही अल्प समय में सिरसा विधानसभा में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, तो ऐसी क्या खूबी है जी? नहीं, मैं इसको खूबी नहीं कहूँगा, आप सबका आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी का है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे है। और मैं तो सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ा 19 में, तो अगर हम उनका जो जीवन था, उनकी जीवन शैली थी, अगर हम उनको उन हिसाब से अगर हम चले, उनका हम सब अगर 10% भी करते हैं, तो हम एक समाज में बड़ा अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं, बड़ा अच्छा एक समाज में हम अच्छा मैसेज देने का हम काम कर सकते हैं। तो मोहित जी, इस विजय उत्सव को आप कैसे बनाएंगे? मैं इस विजय उत्सव को एक पूरे सिरसा के अंदर भी एक मैसेज देना चाहूँगा, इतनी भीषण गर्मी के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे सभी कैंडिडेट जीतते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि 2024 के बाद 2029 आ रहा है, तो 29 तक आप 2029 पेड़ों का जो है एक लगा करके
कि सांस लेने में दिक्कत ना आए, अच्छे पेड़ लगे, वातावरण शुद्ध हो, अच्छा हो। आज क्या माहौल हो चुका है, ऐसा टाइम आ चुका है कि सुबह 10 से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी भीषण गर्मी है। अपने बच्चों का भी ख्याल रखा जाए तो एक ही अच्छी पहल होगी। और मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का आप कार्य करें।